अब वो खींचोगे तो ये गद्दी निकल जाएगी पूरी की पूरी। हाँ, तो बीच रोड में ऐसा लगता है कि गाड़ी रिपेयर करने के लिए खोल दी है किसी। इससे बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा कुछ खास दे नहीं दिया जिस हिसाब से इसकी प्राइस रखी है बजाज ने। 40 तो अभी भी मिल जाता है, लेकिन वो जब प्रॉब्लम चलती है तो तब गिर जाता है 32-34। बजाज पल्सर जब लॉन्च हुई थी तो इंडियन मार्केट को इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। अफोर्डेबल स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज इसने इंडियन यूथ में जगा दिया था। एंड उस टाइम पे सिर्फ एक ही नाम होता था हर एक यूथ की जबान पे, बजाज पल्सर 150। बट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं एंड अगर 2022 में आप भी कंसिडर कर रहे हो बजाज पल्सर 150 को लेना, तो आई एम श्योर आप जानना चाहोगे इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कितना माइलेज इसमें मिल रहा है, क्या इसकी सर्विस कॉस्ट होती है और क्या है इसका ओनर का कहना। तो इन्हीं ऑटो रिडल को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ गए आपके लिए एक बजाज पल्सर 150 का ओनरशिप रिव्यू। स्वागत है आपका ऑटो रिडल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सूरज और आप सभी को मेरा एक हाई रेविंग नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है हमारे साथ मिस्टर सत्यम। क्या हाल है सत्यम भाई? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। सत्यम भाई की है ये पल्सर 150। तो सत्यम भाई, लेट्स कट टू द चेस, कब ली थी आपने बाइक और कितना चला लिया है? ये बाइक ली थी मैंने सितंबर 2021 में और इसको लगभग 7000 किलोमीटर चला लिए। 7000 किलोमीटर चला लिए। एंड इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक थी? इससे पहले स्कूटी थी, होंडा एक्टिवा। होंडा एक्टिवा थी, बाइक नहीं थी आपके पास? नहीं नहीं। तो जब आप ये बाइक ले रहे थे तो कौन कौन सी बाइक आपने कंसिडर करी थी लेना और यही क्यों चूज़ करी आपने? जब मैं बाइक अपने लिए ढूंढ रहा था तो दो शॉर्ट लिस्ट करी थी मैंने, एक थी पल्सर 150 और दूसरी थी हॉर्नेट, होंडा की होंडा हॉर्नेट। हाँ, और दोनों मैंने कंसिडर इसलिए करी थी क्योंकि स्पोर्टी हैं पर ज़्यादा भी नहीं है, मतलब तड़कती भड़कती जैसे KTM वगैरह हैं, मतलब ठीक है, सिंपल सोबर टाइप। सिंपल सोबर भी है, थोड़े स्पोर्टी भी है, स्प्लेंडर भी नहीं है पर ठीक है, क्या बोलते हैं, तो लुक्स भी करती है और सब चीज़ मतलब बैलेंस्ड है, एक्सेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही क्यों चूज़ करी फिर आपने पल्सर 150, होंडा हॉर्नेट को क्यों नहीं चूज़ करा? एक्चुअली मैं लेने ही वाला था बाइक और इस पर मेरे को बढ़िया डील मिल गई। क्या हुआ कि एक ओनर थे, उन्होंने दिसंबर 2020 में परचेज किए तो उन्हें अर्जेंटली सेल करनी थी, तो मैंने उनसे सेप्टेम्बर 2021 में खरीदी, तो मोटा ही मोटा उन्होंने 9 या 10 महीने ही इस बाइक को यूज़ करा। अच्छा, मतलब आप नई बाइक लेने जा रहे थे, होंडा हॉर्नेट और पल्सर 150 में से एक चूज करना था आपको, बट पल्सर 150 में आपको अच्छी डील मिल गई थी। जी, जी। तो ये सेकंड हैंड बाइक है बेसिकली। जी जी। तो सेकंड हैंड बाइक आपने 9000 किलोमीटर चलाई है, वैसे चली कितनी है टोटल? ये टोटल चली है 16000 किलोमीटर, 16000 चल चुकी है एंड इसमें से आपने 9000 आपने चलाया। जी जी। ठीक है सत्यम भाई, सबसे अच्छी चीज आपको बाइक में अभी तक क्या लगी है 9000 किलोमीटर चलाने के बाद? इससे पहले मैं स्कूटी चलाता था तो मेरे को ये कंसर्न था कि जब मैं बाइक में शिफ्ट करूँगा तो जिस मतलब कन्वीनियंटली हम गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं, कट मार लेते हैं, वो मैं बाइक में शायद ना ले आ पाऊँ। पर इस बाइक में ऐसा कोई इशू नहीं आया, मतलब ये हाइट भी ज़्यादा ऊँची नहीं है इस बाइक की और क्या बोलते हैं, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो आराम से काट लो। अगर कहीं पर गाड़ी उतारनी है, ऑफ रोडिंग भी करनी है क्योंकि जाम लगा हुआ है, तो इस बाइक में कोई ऐसा इशू नहीं आया मेरे को। तो बड़ी बड़ी जैसे स्पोर्ट्स बाइक होती हैं तो ज़्यादा टाइम वहीं खड़ी रह जाती हैं, पर मेरे को कोई इशू नहीं आती, मैं अपना कोने से निकाल के चले जाता हूँ। तो बाइक की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है? जी, बाइक की हैंडलिंग बढ़िया है। तो सत्यम भाई, सबसे गंदी चीज़ आपको अभी तक बाइक में क्या लगी? वैसे तो ऐसा कुछ इतना लगा नहीं, पर अगर कुछ है तो प्राइस है। मेरे हिसाब से 150 cc, मतलब बाइक वैसे तो महंगी होती हैं पर इस बाइक में कुछ ऐसा सच है नहीं कि इसका ऑन रोड प्राइस, मतलब 130 और दोनों डिस्क ब्रेक वाले मॉडल का, मतलब अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखेंगे तो कुछ ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं है। मतलब TVS की जो 125 रेडर भी है उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इससे बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा कुछ खास दे नहीं दिया जिस हिसाब से इसकी प्राइस रखी है बजाज ने। तो मतलब जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसमें आपको इतनी अच्छी, मतलब इतनी चीज़ें नहीं मिल रही जो इसके कॉम्पिटिशन, मतलब इससे छोटी बाइक जो है वो भी ऑफर कर रही है। जी, मतलब बस नाम पे बिक्री है वही है तो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो सत्यम भाई, अभी आ जाते हैं बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स पे। बाइक में और क्या क्या अच्छा लगा आपको अदर देन इसकी हैंडलिंग? जब मैं बाइक ले रहा था तो मेरे लिए एक फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था लुक्स। तो ये जैसे बाइक है तो इसका अगर आप लुक देखोगे तो स्पोर्टी भी है और ज़्यादा सोबर भी नहीं, तो इसका जो मेरे को दो फायदा लगा। अब जैसे मान लो मैं कोई स्पोर्ट्स बाइक ले लेता हूँ, KTM जैसे कि, तो कल के दिन मैं उससे सब्जी लेके आ रहा हूँ
या उसमें मेरे को डिग्गी लगवानी है सामान वामान लेने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, तो उसमें अजीब सा लगेगा भाई भाई ने KTM ले लिया लेकिन डिग्गी लगवा ली right. लेकिन मैं डाउन द लाइन इसको मैं ऐसा डिग्गी लगवाता हूँ क्योंकि अब बूढ़ा हो रहा हूँ और यही गाड़ी चलानी है, तो क्या बोलते हैं ये बाइक ठीक है, मतलब ये ना तो ज़्यादा ही स्पोर्टी है ना ज़्यादा ही स्प्लेंडर है, बीच की है, तो मतलब लुक्स ठीक है इसके, ऐसा कोई ना तो बहुत ही बढ़िया है ना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, तो लुक बढ़िया है ऐसा ठीक है। और क्या अच्छा लगा आपको इसमें अदर देन लुक्स? दूसरा था इसका सस्पेंशन वगैरह, शॉकर्स वगैरह, मतलब जब मैं राइड करता हूँ तो अगर रोड से ऑफ रोड पॉट होल्स कुछ भी हो तो ऐसा कोई एकदम से नहीं होता कि गाड़ी हिल जाए, फ्लाई ओवर ही होता है, तो फ्लाई ओवर में थोड़े से स्पीड ब्रेकर तो नहीं, उसको गड्ढे टाइप ही होते हैं जब जैसे कनेक्टिंग रहते हैं जहाँ, हाँ तो इतना आपको गाड़ी के हैंडल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर आपकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं गाड़ी इतना हिलती नहीं है, अपने पोजीशन पे स्टेयर रहती है, तो राइड एंड हैंडलिंग मतलब कहने का मतलब है काफ़ी अच्छी है भाई जी। और इसकी पिलियन सीट भी बढ़िया है, जैसे अगर किसी को बैठना हो मम्मी वगैरह तो मतलब बढ़िया ग्रिप देती है, जो फिसलता नहीं है जल्दी से जो पीछे बैठा हो, प्लस कंफर्टेबल भी होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी सीट आपको मिलती है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी जी, तो ईजिली कम्फर्टेबल इसमें बैठ पाते हैं घर वाले भी जी। सत्यम भाई और क्या क्या अच्छा लगा आपको बाइक में? दूसरा है कि इससे पहले मैं स्कूटी चला रहा था तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस मेरे को हमेशा एक फिक्स ही लगा कि जैसे इस स्पीड में हूँ तो इतना ब्रेकिंग डिस्टेंस सही है, मेरे को ये चीज़ बजाज में लगी है कि ब्रेक बहुत बढ़िया है, हमें भी इसमें डिस्क है उसमें ड्रम ही थे दोनों में, पर क्या बोलते हैं अगर मतलब कोई भी स्पीड हो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे गाड़ी को रोक पाएंगे, तो इसका ब्रेक भी मेरे को बढ़िया लगा, तो ब्रेकिंग अच्छी है बाइक की। और क्या अच्छा लगा सकते हैं भाई आपको बाइक में? मैंने और भी बाइक्स चलाई हैं तो वो जब टॉप स्पीड में रहती हैं 70 प्लस 80 90 की रेंज में तो वो वाइब्रेट बहुत करती हैं, पाँव में गुदगुदी सी लग जाती है उनको चलाते हुए, फुट पैक्स पे आते हैं वाइब्रेशन। इसमें वाइब्रेशन कम है, मतलब है तो वाइब्रेट तो कर ही रही है पर उस लेवल का नहीं है, मतलब इंजन मेरे को वेल ऑप्टिमाइज लगा उस डिपार्टमेंट में कि इतना वाइब्रेट नहीं करता। ठीक है, और कोई अच्छी चीज़ आपको लगी सत्यम भाई बाइक में? स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं ली मतलब मैंने बहुत ही वैसे, पर एग्जॉस्ट नोट मेरे लिए थोड़ा मैटर करता है, क्या बोलते हैं सभी के लिए करता है राइट क्या बोलते हैं, तो इसका मेरे को एग्जॉस्ट नोट भी बढ़िया लगा। ठीक है, तो एग्जॉस्ट की बात हो ही रही है तो एक बार व्यूअर्स को भी सुना देते हैं एग्जॉस्ट नोट कैसा है इसका। तो ये है इसका एग्जॉस्ट साउंड, आइडलिंग एग्जॉस्ट साउंड, तो एग्जॉस्ट साउंड तो बढ़िया है ही सत्यम भाई इसका। और कोई अच्छी चीज़ आपको इसमें लगी बाइक में? और तो सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये बेस्ट क्वालिटीज़ हैं पल्सर। ठीक है, तो ये थी सारे पॉजिटिव्स की बात, अभी बात कर लेते हैं सत्यम भाई इसके नेगेटिव्स की, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं बाइक के। तो आपने बताया था कि सबसे गंदा आपको बाइक में लगा था कि प्राइस ही है, थोड़ा कॉस्टली है बाइक, उस हिसाब से फीचर्स वगैरह ऑफर नहीं करती है, और क्या क्या आपको इसमें कमियाँ लगी बाइक में जो बेटर हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बाइक का वो इतना कुछ बढ़िया है नहीं जो कंपटीशन दे रहा है, जैसे TVS के हो गए, क्या बोलते हैं इन्होंने जो इस साल 2021 में निकाला है थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स करे हैं पर मेरे हिसाब से वो माइनर ही हैं, इतना कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं लाया मेरे हिसाब से, ये क्लस्टर बहुत ही आउटडेटेड हो गया है। आउटडेटेड हो गया है, इनफैक्ट मतलब 2001 में शायद लॉन्च करी थी बजाज ने पहली पल्सर, तब से लगभग यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम देखते आ रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत इसमें व्यू में भी अगर इसके मतलब ओवरऑल लुक्स में थोड़ा चेंज कर देता तो अच्छा होता, फीचर्स तो इतने वैसे भी दिखाता नहीं है। तो सत्यम भाई और क्या क्या ड्रॉबैक्स लगे आपको बाइक में? इसमें ज़्यादा कोई फीचर्स वगैरह भी नहीं है, आजकल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से अब इलेक्ट्रिक बाइक्स कार आने लग गई हैं तो मेरे हिसाब से बजाज को उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब 1.5 लाख की पल्सर दे रहे हैं और वैसी दूसरी बाइक मिल रही है उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इतनी सारे फीचर्स हैं, मैप्स वगैरह भी हैं और इसमें नहीं है, तो मेरे सबसे आने वाले टाइम में दिक्कत होगी बजाज को कॉम्पीट करने में। तो सत्यम भाई और क्या क्या नेगेटिव्स हैं बाइक में, क्या क्या बेटर हो सकता था? एक इसका बिल्ड क्वालिटी है, तो मतलब स्पेसिफिकली बात करूँ तो पेंट की, तो जब मैं ड्राइव करता हूँ तो कभी कभी पीछे कोई बैठा रहता है राइडर तो बैग में आगे कर लेता हूँ। अच्छा, तो उससे बहुत सारे टैंक में स्क्रैचेस आ गए हैं, क्या बोलते हैं अगर आप देखोगे तो वो भी परमानेंट ही हैं, तो अच्छा तो इसमें या तो पॉलिश करवा लो, वो भी कुछ टाइम तक ही रहता है फिर वो हट जाता है, जहाँ आप एक बार आपने घर में वॉश कर दी गाड़ी तो फिर वो ख़त्म ही है। और पेंट के अलावा अगर आप जैसे स्टिकर वगैरह भी देखोगे पल्सर का तो यहाँ से टूट रहा है, धूप में ही थोड़ी खड़ी रहती है ऑफिस के बाहर, तो ऐसी
क्रैक से आ रहे हैं, इधर वाला देखोगे तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे, तो उधर ये हाँ ये निकल रहा है पूरा का पूरा हिल रहा है, इसको बदलवाना ही पड़ेगा। हाँ तो ऐसी ये भी, ये वाला भी देखोगे तो निकल नहीं लगे, कोई खींचेगा तो निकल भी जाएगा, पूरा निकल रहा है। ये बिल्ड क्वालिटी को मेरे सबसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये तो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है प्रेजेंट कंडीशन में। और कुछ आपको इसमें पसंद नहीं आया बाइक में? दूसरा है जैसे मेरे पे एक्टिवा थी इससे पहले, तो उसमें डिग्गी का कन्वीनियंस रहता था, तो मैं उसमें पेपर्स वगैरह सब डाल के आराम से करा, पुलिस ने नॉर्मल रूटीन चेकिंग के लिए रोका तो मैं देख लेता हूँ। पर इसमें ऐसा कोई बॉक्स प्रोवाइड नहीं है, थोड़ा सा भी साइड में दे दे तो मेरे पापा पे स्प्लेंडर है उसमें तक है फर्स्ट एड किट के लिए, साइड में इतना बड़ा कंपार्टमेंट इसमें यहाँ पे है, ये अगर आप देखोगे इसको आप खोलोगे फिर उसके बाद एक रस्सी सी है, आप वो खींचोगे तो ये गद्दी निकल जाएगी पूरी की पूरी। हाँ तो बीच रोड में ऐसा लगता है कि गाड़ी रिपेयर करने के लिए खोल दी है। और उसके बाद भी कोई ऐसा वो मतलब जो स्पॉट है स्टोरेज का इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता उसमें, अगर मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख दूँ रास्ते में गिर भी सकते हैं ऐसा देखने में लगता है। अच्छा और रास्ते में कहाँ गिर जाए पता भी नहीं चलेगा और कब गिर गया वो भी नहीं पता चलेगा। राइट और निकालने और रखने में भी मतलब आफत है। हाँ तो फिर वो मतलब किसी काम की नहीं है, है पर वो किसी काम की नहीं है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे बॉक्स बनाए तो वहीं पर कुछ दे देते। राइट क्योंकि होना चाहिए क्योंकि जहाँ पे आप गाड़ी के पेपर्स वगैरह रख सको गाड़ी के साथ ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कभी इमरजेंसी में हमको निकलना पड़ता है तो आपको इतना ध्यान नहीं आता कि मैं गाड़ी के पेपर्स वगैरह बैग में रख लूँ, तो गाड़ी के साथ होता तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट इसमें ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। और कोई आपको चीज़ अच्छी ना लगी हो? अगली है इसमें लेग गार्ड। तो इसका लेग गार्ड मतलब ड्राइविंग करते हुए जैसे हाईवे में हो थोड़ा आप स्पीड में हो तो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है कि अभी कहीं लगा अगर तो उड़ जाएगा ये और तुरंत पाँव में लगेगा सामने। अच्छा इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है मतलब लेग गार्ड, क्योंकि आजकल की बाइक्स में जैसे आप ये देखोगे यहाँ पे तो जो लेग गार्ड आ रहे हैं वो नेट नट से मतलब यहाँ पे टाइट होते हैं, पहले क्या होता था आर पार होते थे पूरे, तो अभी ये नट से टाइट हो रहे हैं तो जब भी ये क्रैश होता तो पूरा नट इम्पैक्ट लेता है एंड ज़्यादा तेज क्रैश होता तो ये नट टूट जाते हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी दिक्कत आजकल ये बाइकों में आ रही है, जब वो नट टूटते भी तो अंदर ही मतलब टूट जाते हैं तो उनको निकालने में भी एक बहुत बड़ी आफत हो जाती है। और कोई चीज़ आपको बाइक में अच्छी ना लगी हो सकता है? दूसरा जो मेरे को अच्छा नहीं लगा इसका माइलेज थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, तो अच्छा। कभी तो मेरे को 40 प्लस दे देता है, कभी कभार 30 देता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी राइडिंग स्टाइल डिफरेंट है, खाली रोड मिल गई तो मतलब बहुत तेज चला रहा हूँ, मतलब मेरा सेम ही रहता है, खाली भी हो भीड़ भी हो तो भी मैं 50-60 में ही रहता हूँ, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं रहता मेरा तो। पर इसका माइलेज जो है इनकंसिस्टेंट है, ये पर्टिकुलर मेरे सबसे मेरी बाइक में इशू है, अगर आप दूसरे की बाइक हो तो शायद इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कभी बहुत अच्छी दे देती है कभी बहुत ही खराब देती है। हाँ, तो और सेम राइडिंग स्टाइल आपका सेम रहता है? राइडिंग स्टाइल सेम रहता है मेरा। ठीक है और कोई इशू आपको लगा हो? अगला जो मेरे को इसमें इशू लगा वो चेक इंजन लाइट का है, मतलब इसमें कभी भी जल पड़ता है और अगले दिन बंद शाम तक भी बंद हो जाता है। आज जैसे सुबह मैंने स्टार्ट करी तो चेक इंजन लाइट चालू हो जाएगी, शाम तक मैं घर आ रहा हूँ बंद हो जाएगी। और ऐसी रहा है तो अगर कोई मतलब सर्विस सेंटर भी जाओ दिखाने तो तब तक कभी कभार ऐसा हो जाता है बंद हो जाती है, आप सर्विस सेंटर के बाहर खड़े हो दोबारा चेक इंजन लाइट चालू ही नहीं, तो उससे बोले भी तो क्या बोले। तो फिर इसका ही है कि चेक इंजन लाइट में कुछ वायरस वायरस है तो ऐसे ही चलता है। तो सत्यम भाई और कोई आपको इशू आया बाइक के साथ, कोई प्रॉब्लम आई? अगला जो मेरे को इसमें लगा वो गेयर बॉक्स में लगा, क्योंकि मैंने और भी दोस्तों की बाइक्स चलाई हैं तो इसका जो गेयर बॉक्स है वो इतना स्मूथ नहीं है, मतलब है तो सेम ही नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर इतना शिफ्टिंग इतनी स्मूथ इस शिफ्ट इतना वो बढ़िया नहीं है कि मतलब मैं अगर एकदम से स्पीड पे आ जाऊँ कि अब थोड़ा तेज चलाता हूँ तो एकदम से वो हो नहीं पाता, तो गियर बॉक्स ठीक ही है इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है और कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो बाइक में? और तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक लगा मेरी बाइक का। ठीक है तो ये थे सारे बाइक के पॉजिटिव नेगेटिव्स। सत्यम भाई आपको बाइक में अभी तक कोई मेजर प्रॉब्लम आई है? आई तो है, जब से मैंने बाइक ली है ना तो इंजन मिस मारता है, तो अगर जैसे मान लो मैं रेस दे रहा हूँ तो गाड़ी स्पीड नहीं लेती, मतलब मैं दे रहा हूँ रेविंग साउंड भी नहीं बढ़ रही है और वो ही अटक जा रही है। तो ऐसे एक बार मैं रेड लाइट पे खड़ा था और मैं सबसे आगे पहुँच गया और मैं लगभग सेंटर में ही खड़ा था और CM के लिए रोकी हुई थी ट्रैफिक, ठीक है तो बहुत भीड़ थी तो सबको था कि जैसे ग्रीन होगा सबको जाना है, और मैं वहाँ पर गाड़ी मैंने स्टार्ट करी और मैं रेस दे रहा हूँ, पुलिस वाले बतेरे खड़े हैं वो क्या बोलते हैं मैं गाड़ी बढ़ी नहीं रही आगे और ना आवाज़ कर रही है ना बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे बड़ी वहाँ से चिल्लाना लोगों ने शुरू करा मेरे को, तो इसका वो इशू है कि इंजन मिस मारता है।
पावर नहीं मतलब चलते चलते ही नहीं, अगर बंद भी रहती तो भी स्टार्ट नहीं होता है। नहीं स्टार्ट तो हो जाएगी पर गाड़ी साउंड कम देगी और मैं मतलब एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो रिस्पॉन्स नहीं करती है गाड़ी, रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, क्या बोलते हैं इमीडिएटली पावर नहीं आ रहा है। तो ये आपने सर्विस सेंटर वालों को नहीं बताया, सर्विस वगैरह में उन्होंने ठीक नहीं किया? एक्चुअली मैं दो विजिट कर चुका हूँ जब से, एक तो मैंने जब ली थी तभी करा था कि ये इशू है। तो पहले उन्होंने बोला कि शायद क्लच की वायर में है कोई प्रॉब्लम हो या क्लच प्लेट में इशू हो, हम चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला क्लच प्लेट ठीक है, तो उन्होंने वायर बदल दी। मैंने कहा ठीक है चलो वायर बदल, क्लच वायर बदल दी, पर वो इशू तब भी रहा। फिर उसके बाद जब मैंने सर्विसिंग कराई तो उन्होंने बोला इस बार नहीं होगा, ये प्रॉब्लम अपने आप आती है, अपने आप जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट इसको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता कि मैं ये करूँगा दोबारा से होने लग जाएगी। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से तो ठीक है। और मैंने उनको बोला कि आप फ्यूल पंप चेक कर लीजिए, क्या बोलते हैं आप चाहे तो फ्यूल इंजेक्शन देख लीजिए, पर उन्होंने बोला नहीं सर ठीक है हमारी तरफ से। उन्होंने बोला कि आप पेट्रोल जो है भरा के रखिए मतलब 300-400 का अंदर, उसके बाद भी बताइए मतलब जो अंदर होगा पंप फ्यूल का उससे ऊपर रखिए। मैंने वो भी रख के देखा लेकिन प्रॉब्लम है, लगभग 2 महीने से मैंने वही कर रहा हूँ, पेट्रोल मैंने फुली करा के चला रहा हूँ लेकिन वो प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम है प्लस जो सर्विस सेंटर वाले उनको भी पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, ना वो सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस भी आपको इतना अच्छा नहीं है बजाज जी। नहीं। तो सत्यम भाई अभी इसके माइलेज और मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। माइलेज का आपने बताया कि इनकंसिस्टेंट है, कभी कभी 32 का भी माइलेज आपको मिलता है, कभी कभी बाइक 45 का भी देती है। वो शायद इस इशू से हो रहा होगा कि जो आपका इंजन मिस मार रहा है, क्या पता मे बी उस इससे हो रहा होगा। तो अगर एक यूज़र को एक्सपेक्ट करना हो तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है इस बाइक से, मतलब ये प्रॉब्लम से पहले कितना आपको मिल रहा था एवरेज? 40 तो अभी भी मिल जाता है लेकिन वो जब प्रॉब्लम चलती है तो तब गिर जाता है 32-34। अच्छा, मतलब 40-45 का एवरेज एक नॉर्मल पल्सर 150 ओनर एक्सपेक्ट कर सकता है इससे। एंड कितनी सर्विसेज आपकी हो चुकी है इसमें, क्या क्या सर्विस कॉस्ट आती है? इसकी 4 सर्विसेज हो चुकी हैं, क्या बोलते हैं, और इसका 900 सर्विस कॉस्ट आती है। 900 ये पेड सर्विस है या फ्री सर्विस? पेड सर्विस है। पेड सर्विस है तो इसमें इंजन ऑयल उनका सर्विसिंग कॉस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सत्यम भाई कितनी आपको वैसे तो आपने सेकंड हैंड ली थी बट ऑन रोड प्राइस आपको कोई आइडिया कितना होगा इसका अभी? 110,000, क्या बोलते हैं 110,000 सिंगल डिस्क वाले के साथ जी, और जो डबल डिस्क है वो 117 की है, 117 के आसपास। और क्या क्या इसमें एक्सेसरीज आपने लगवाई हैं बाइक में, क्योंकि ऐसा आपको फीचर्स तो बाइक में कुछ मिलते नहीं है, तो आपने कोई एक्सेसरीज लगवाई हैं? एक तो मैंने ये लॉक लिया है हेलमेट के लिए। अच्छा, हेलमेट लॉक है। जैसे मूवी वगैरह देखने जा रहा हूँ, थिएटर वगैरह दोस्तों के साथ घूमने, तो इसमें मैं अपना हेलमेट लगा देता हूँ। दूसरा है ये मोबाइल होल्डर, जैसे कभी घूमने जा रहा हूँ किसी ने व्हाट्सएप में लोकेशन दे दी है तो बस यहीं पर मैंने डाल दिया, तो आराम से ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो मतलब ये ऐसी एक्सेसरीज हैं जो थोड़े काइंड ऑफ नेसेसिटी भी हैं कि आपको हर एक बाइक में आपको लगवानी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन सत्यम भाई आपसे मेरा ये है, क्या आप बजाज पल्सर 150 दूसरों को रिकमेंड करोगे? जी हाँ बिल्कुल करूँगा, अगर आपका लोकल ऑथराइज सर्विस सेंटर बढ़िया है तो आप अपने किसी पीयर से पूछे कि वहाँ पे जो इस पे पल्सर KTM है वो कैसी सर्विसिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने KTM भी ली है, उन्होंने 3-4 बार सर्विसिंग कराया और बाद में सेम इशू के लिए कंपनी ने बोला है कि आपके फ्यूल पंप में ही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उन्हें 3-4 विजिट करने पड़े। तो अगर आपके लोकल एरिया में जो है सर्विस सेंटर जो है बजाज का बढ़िया है तो आप जरूर लीजिए, बढ़िया गाड़ी है। तो सत्यम भाई ने रिकमेंड कर दिया बजाज पल्सर 150 को, बट एक कंडीशन है, आप अपने नियरेस्ट बजाज सर्विस सेंटर के फीडबैक जरूर ले लीजिएगा बाकी बजाज ओनर से, अगर वो अच्छा है तो आप बिल्कुल बजाज पल्सर 150 को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।